नमस्कार जी, सत श्री अकाल। बहुत स्वागत है तुहाडे सितारे प्रोग्राम विच। अज दा दिन जो शनिवार दा है ते नाल ही अज तरीक है 5 सितंबर 2020। ग्रह गोचर ते नक्षत्र मुताबक अज दे दिन नूं कोशिश करदे आं आपां गोचर दे मुताबक ते ग्रहां दी स्थिति दे मुताबक होर अच्छा बनाउण दी। जानदे आं पंचांग। अज हो गई जी कृष्ण पक्ष दी तीज, यानी कि जो 21 भादों है ते कृष्ण पक्ष दी तीज है ते श्राद्ध भी अज तीजा ही है। तीज दा तिथि दा श्राद्ध रहेगा। अज जो श्राद्धां दे दिन चल रहे ने ते रेवती नक्षत्र रहेगा। गंड मूल अज तकरीबन बने ही रहणगे ते मीन राशि विच चंद्रमा देर रात तक चलणगे। जो बाकी ग्रह ने ओ इसे तरह ही ने जी, जो जिस राशि विच विराजमान ने उसके मुताबक ही उन्हां दी दृष्टि मुताबक असी तुहानूं अज दे दिन दा हाल दस्सांगे। भद्रा जो है जी ओ शाम नूं 4:31 ते समाप्त हो जाएगी ते नाल ही पंचक भी अज समाप्त हो जाएगी, जो काफी दिन तो चल रही सी। तकरीबन 26:00 यानी कि सवेरे तड़के कल तक भी अपने जो पंचक है वह समाप्त हो जाएगी। यह सी जी पंचांग के नाल ही ग्रहों की स्थिति के मुताबक जो सॉरी राहुकाल का टाइम 9 to 10:30 का रहेगा। चलो ग्रहों की स्थिति मुताबक असं थानू दसांगे सितारियां का हाल ते इस नूं सही करके असी दिन की शुरुआत के नाल दिन नूं किस तरह सही कर सकते हैं। की करना है जी, असी एक ते जिन्हां जातकां का जन्मदिन है जां छाती दी सालगिरह है उन्हां नूं अज दे दिन, क्योंकि तीज तिथि का श्राद्ध है ते तुसी किसी भी अपाहज व्यक्ति नूं कुछ कपड़ा कुछ जुत्ती का दान कर सकते हो। किसी अपाहज नूं जुत्ती का दान करन ते अज बड़े ही वधिया उसदियां दुआवां ते ब्लैसिंग मिल जाएगी ते खास दिन ते खास उपाव भी हो जाएगा। जो वास्तु है जी उहदे मुताबक असीं तुहानूं छोटे छोटे जे टिप दसदे हां। छोटे टिप ने पर वास्तु विच इसका बहुत ज़्यादा अच्छा महत्व है। अज तुहानूं दसांगे कि वाशरूम दे विच किस चीज़ दे रखण दे नाल, एक ते असीं तुहानूं दस्सिया सी कि नमक रखण दे नाल नकारात्मक ऊर्जा निकल जांदी है ते उह जगह ते वाशरूम विच पाणी जिथे असीं इशनान करदे हां उसका बहुत महत्व है। ते इसनूं पॉजिटिविटी लियाउण दे लई असीं चंद्र कायम किस तरह कर सकते हैं इसके लिए इंतजार जानते हैं। सब तो पहला एरे यानी मेष राशि वाले का आज का दिन किस तरह का रहेगा। देर रात तक चंद्रमा 12वें थोड़ी कज्जल कुवारी, थोड़ी खर्चे, थोड़ी दिमागी टेंशन बधी रह सकती है। अपने विरोधियों हल्के विच तुहानूं नहीं लेना चाहिए ते भैण भूआ जां मासी की सेहत जां तुहाडी बेटी वालों अगर तुसीं मैरिड हो तुहाडी बच्ची की सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि मंगल लगन च है ते बुध ने खराब बुध की स्थिति खराब हो जानी है। तो उसके लिए तुसीं छोटिया कंजकां नूं कुछ ना कुछ खाण नूं देना है ते 12 सफेद कलियां लैके धार्मिक स्थान पर चढ़ा देनिया ने। बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। टॉरस यानी वृख राशि वाले का अज का दिन जी इनकम के लिए तुहाडी कोशिश बहुत कोशिश तो बहुत मेहनत के बावजूद भी 99 ते जाके तुहाडे काम खराब हो रहे हैं। केसर की डब्बी अज अपने कोल रख लो, थोड़ा केसर अपने कोल रखो, ब्रहस्पत कायम रहेगा ते रिजल्ट तुहानू पॉजिटिव मिलणगे। जो ब्रहस्पत तुहाडी राशि तो 8वें चल रहा है ते तुहानू थोड़ी नकारात्मक सोच ते डाउन होया होया ब्रहस्पत तुहानू ब्लैसिंग की कमी दे रहा है। जैमिनी यानी मिथुन राशि वाले का जी कल भी आप गल की चंद्रमा से बुद्ध की स्थिति चल रही है। हिम्मत तुहाडी बहुत अच्छी है, छोटी मोटी यात्रा तुहानू सफलता दे रही है। हिम्मत दे नाल तुसी काफी चीजा नू सही करन दी कोशिश कर सकते हो। वाहन खराब हो सकता है, वाहन दी वजह करके कोई परेशानी हो सकती है, जां कह सकते हैं कि छोटी मोटी सट चोट का भय भी तुहानू बनिया रहेगा। वाहन ध्यान नाल चलाना है, उसनू पूरी तरह साफ रखना है ते एक पीले फुलां दा हार लैके तुसी धार्मिक स्थान ते भी चढ़ा सकते हो, जां पीले फुल तुसी अपने घर विच भी तां किसे धार्मिक फोटो दे अगे नमस्कार कर सकते हो, ब्लैसिंग लै सकते हो। कैंसर यानी कर्क राशि वाले का अज का दिन जी जो ग्रहों की स्थिति है किस्मत ते भरोसा तुहाडा वधिया रहेगा। धार्मिक साहित पढ़न विच रुचि तुहानू काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देगी। परसनैलिटी तुहाडी काफी दिनों तो अच्छी हो रही है। अज खूब सारा परफ्यूम लगाना है तुसी तां कि शुक्र होर अच्छा फल तुहानू दे सके ते एकदम तत्ते ते एकदम ठंडे हो रहे हो। जो तुहाडा सुभाअ इस तरह का बन गया है इस विच तुहानू थोड़ी ते चेंजेस लियाउणी पएगी, पर पैसे का कारोबार का कोई नुकसान नहीं होगा। लियो यानी सिंह राशि वाले का अज का दिन जी जो ग्रहों की स्थिति है उसके मुताबिक कई बार असी बिना कारण बिना वजह तो छोटिया मोटिया गल्लां नूं अपने दिल से लगा के बैठ जाने तो उस तरह की ही नकारात्मक साढ़े आले दुआले का औरा बन जाता है। तुहाडे अपने ते डिपेंड रहेगा जी तुसीं अज दे दिन नूं किस तरह कढोगे ते उस तो बाद चंद्रमा ने देर रात तक चले जाना है। 9वें
मंगल दे नाल ते तुहाडे रुके हुए काम चल पैणगे। एक दिन का इंतजार तुहानूं करना पवेगा, नाल ही तुसी थोड़ी जिही हरी मूंगी लैके चल पवा करोगे। तो धन स्थान विच बैठा होया बुध ते बारहवें स्थान विच बैठा होया शुक्र तुहाडी राशि नूं अच्छी तरह नाल पॉजिटिविटी देवेगा। वर्गो जानी कन्या राशि वालियां दे जी बहुत अच्छा दिन रहेगा। अगर तुसी वाहन ध्यान नाल चलाओगे तो कारोबारी तौर ते पैसे वालों ते ब्लैसिंग वालों सितारे तुहाडे बहुत अच्छे रहेंगे। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बनेगा। अखां दी संभाल रखनी जरूरी है, अखां निगाह अपनी चैक कराओ जां निगाह विच कोई अखां च लाली वगैरह जां कुछ भी अखां दी प्रॉब्लम तुहानूं आ सकती है। तो कोशिश करनी है तुसी अज कोई आई टॉनिक लैके किसी नूं दे दवो, किसी नूं दान कर दवो, जां आई टॉनिक अखां दी दवाई दा किसी होस्पिटल विच भी तुसी दान कर सकते हो, जिस दे नाल बारहवें बैठा सूरज तुहानूं बड़ा अच्छा फल देवेगा ते तुहाडी अखां दी प्रॉब्लम भी हौली हौली सही हो जाएगी। लिबरा जानी तुला राशि वालियां दा अज दा दिन जी मानसिक तौर ते थोड़ी परेशानी आएगी ते नानी जां दादी दी सेहत खराब हो सकती है। घर विच बुजुर्ग औरत है जो तुहाडे उन्हां दी सेहत उन्हां दी निगाह भी खराब हो सकती है जां उन्हां नूं जॉइंट दर्द ज्यादा हो सकते ने। इस दे लई तुसीं की करना है जी सफाई करता नूं कुछ ना कुछ खाण नूं दे देना है ते दिन अच्छा हो जाना है। चांदी जरूर अपने कोल रखो, चंद्र कायम रहेगा, शुक्र अच्छा ही चल रहा है, इसका रिजल्ट तुहानूं अच्छा ही मिलेगा, वाहन सुख भी मिलेगा ते नाल लग्जरी चीजां दा सुख भी तुहाडी किस्मत विच ग्रह गोचर नक्षत्र मुताबक अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा। प्रॉपर्टी दे मसले भी तुहाडे हल हुंदे जाणगे। स्कॉर्पियो जानी वृश्चिक राशि वालियां दे जी सितारे बहुत अच्छे ने, मदर नाल तुहाडी अटैचमेंट होर ज्यादा रहेगी, नाल ही तुसी किसी भी तरह के फैसले जिदा तुहानूं कल भी दस्सिया सी असी कि हर फैसला तुहाडे हक विच ही होवेगा। नक्षत्र बुध दा है ते अज्ज ओह तुहाडा मित्र नहीं है, इस करके मसल्स प्रॉब्लम, नाड़ दी प्रॉब्लम, सिर दियां नाड़ां दी प्रॉब्लम खास तौर ते तुहानूं तंग करेगी। बीपी दा वधना घटना भी सेहत तौर ते तुहानूं परेशानी ही देवेगा। केसर मत्थे ते लाओ ते कुत्ते नूं रोटी पा दो हल्का जिहा सरों दा तेल लगा के। सैजिटेरियस धनु राशि वालियां दा अज दा दिन जी ग्रहां दी स्थिति ते अच्छी ही चलदी पई है, बस शुक्र थोड़ा खराब चल रहा है जो स्किन प्रॉब्लम दे रहा ते खर्चे ज्यादा, पर इंट्यूशन पावर तुहाडी अच्छी है। नाल ही मंगल ने तुहानूं बड़ा अच्छा बल दित्ता है, घर परिवार विच शुभता बनी रवे, चंद्रमा ने अच्छा ही देना है तुहानूं, कोई नुकसान नहीं है। बस कोशिश करनी है तुसी कि काले रंग तों परहेज रखना है ते नाल ही गंगा जल पानी विच पा के अज इशनान कर लेना है। किसी तरह की नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा नजरां दा लगण तों तुहानूं इह चीज बचा करेगी। नाल तुसी एक होर उपा कर सकते हो कि थोड़े जे चावल लैके जल प्रवाह कर दो जिस तरह कल किते, ते नाड़ां दी अगर प्रॉब्लम आ रही है तां कोशिश करनी है कि मिश्री दा सेवन कर लेना है, शुक्र अच्छा हो जाएगा जो तुहाडे अठवें खाने विच चल रहा है। कैप्रीकॉन मकर राशि वालियां दा अज दा दिन जी कॉन्फिडेंस ते तुहाडा अच्छा ही है, नाल ही तुसी अपने आले दुआले ते पूरी तरह नाल निगाह भी रख रहे हो ते किसी तों असीं की लैणा है इह तुहाडी सोच भी बन ही गई है। अपने आप विच रहण दी थोड़ी आदत कई जगह ते चंगी भी है, पर परिवार नाल खुल के जो गलबात करनी है वह तुहानूं जरूर करनी चाहीदी है ते नाल ही अगर तुहाडी शादी दी उम्र है तां तुहानूं रिश्ता भी आ सकदा है। पैसा आ जाएगा जी, विदेश वालों पैसा आ सकता है, तुहाडा दोस्त मित्र तुहाडी कोई मदद कर सकता है, इंट्यूशन पावर तुहाडी अच्छी है, सर्कल दा साथ ते दोस्त मित्रां नाल टाइम स्पेंड कर सकते हो, तुसी बाहर खाना खान जा सकते हो जां किसी जगह ते इकट्ठे होके कुछ पढ़ाई दी जां फ्यूचर लई कुछ प्लैनिंगां भी कर सकते हो। चंगे सितारे चल रहे ने, कोई रुकावट नहीं है। कोशिश करनी है तुसी भी अज हल्के रंग पहनने ने जिस दे नाल तीजे बैठा चंद्रमा तुहानूं पॉजिटिविटी देवे। अक्यूरियस यानी कुंभ राशि वालियां दा अज दा दिन जी वधिया जाएगा, बारहवें शनि है ते दूसरे चंद्रमा विराजमान है धन स्थान विच। जदों असी अपने ग्रहां नूं सैट कर लिया ते शुक्र जो तुहाडी मित्र ग्रह आ तुहाडी किस्मत दा मालिक है ते उह तुहाडे छेवें खाने विच विराजमान है, इस करके तुसी ग्रहां नूं अच्छा करना है ते उस दे लई सितारियां नूं जदों असी अच्छा करना है ते साडी सोच, साडा मन, साडी पॉजिटिविटी ते नाल जिस तरह दे भी हालात होण उस नूं असी सहजता नाल कढ लईए तां दिन बहुत अच्छा चले जांदा है। छोटे जां वड्डे भाई भैण दे नाल अज तुसी निमरता नाल पेश आउणा है, उहनां नाल वाद विवाद जां उह शब्द नहीं बोलणे जो उहनां नूं चुभ जाण जां उहनां दे मन नूं दुखा देण। अगर तुसी इह चीज़ तों बच जांदे हो तां दिन बहुत ही वधिया जाएगा। कोशिश करो पानी विच दुध पा के अज इशनान करो ते मत्थे ते दुध जरूर लगा लवो।
ਪਾਈਸੇ ਜਾਨੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਭੇਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਪਹਿਨੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਚੌਰਸ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀਪ ਤੇ ਸ਼ੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗੋਚਰ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਹੂ ਹੈ, ਰਾਹੂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਇਲਟ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਟੋਇਲਟ ਅਟੈਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਉੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਰਾਹੂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਵੇ। ਨਮਸਕਾਰ।